नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आयोजित की मासिक बैठक। बिलारी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिलारी प्रखंड की बैठक लक्ष्मण सिंह सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया, जिसमें विभाग संयोजक विशाल वीर तूफानी ने कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों तथा सभी खंडों में समिति बनाने को कहा। उन्होंने बताया, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिलारी के हर एक गाँव तक पहुँचाने का लक्ष्य है। बैठक में जिला साप्ताहिक मिलन प्रमुख आकाश शर्मा, नगर अध्यक्ष सतनाम जी, नगर उपाध्यक्ष तिलक राज, प्रखंड मंत्री जयदेव मौर्य, प्रखंड के सह संयोजक सतपाल शर्मा आदि अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में सतपाल शर्मा को प्रखंड बिलारी ग्रामीण का सह संयोजक तथा उमाशंकर शर्मा को हर्ष नगर खंड का संयोजक बनाया गया। बैठक के अंत में सभी ने हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए प्रतिज्ञा करते हुए समापन किया। पर आज जो बैठक का आयोजन किया है, इसमें किन किन विषयों को लेकर चर्चा की गई? विश्व हिंदू परिषद बिलारी नगर और बिलारी ग्रामीण की बैठक अपने लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित हुई। आगामी एक महीने की योजना इस बैठक के अंदर हमने बनाई। प्रत्येक खंड तक पहुंचने का काम आज कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। प्रत्येक गांव स्तर तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता पहुंचेगा और प्रत्येक गांव स्तर तक विश्व हिंदू परिषद का विचार भी पहुंचेगा। इस उद्देश्य के साथ आज अपने बजरंग दल की बैठक आयोजित हुई है और क्षेत्र में हो रही गौहत्याएं और हिंदू समाज बेटियों का जो अपहरण निरंतर इस बिलारी थाना क्षेत्र में हो रहा है, उसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता सक्रिय रूप से प्रत्येक गांव स्तर तक पहुंचे और हिंदू समाज की बहन बेटियों और गाय की रक्षा हेतु 24 घंटे तैयार रहे, ऐसी योजना आज इस बैठक में बनाई गई है। ठीक है।